वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हिंदी में आज आपका टॉपिक है फूलों के नाम। ठीक है, किसके नाम बेटा? फूलों के नाम। आज हिंदी में हम जो है फूलों के बारे में फूलों के नाम लिखेंगे। ठीक है, वैसे आप सभी ने बहुत ढेर सारे फूल देखे होंगे, लेकिन आज जो है ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे अपने फूलों के नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किस फूल का नाम लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले कमल। ठीक है, पहले लिखेंगे कमल। कमल जानते हैं? आपको पता है बेटा, हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प होता है वो क्या है? हमारा जो राष्ट्रीय फूल है, मीन्स राष्ट्रीय फूल को हम पुष्प भी बोलते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे गेंदा। ग ग पे ए की मात्रा, गे द पे आ की मात्रा, दा यहाँ ये बिंदी। ठीक है, क्या हो गया ये? गेंदा। इसके बाद हम लिखेंगे ग ग पे छोटे उ की मात्रा, गु ल ल पे आ की मात्रा, ला ब गुलाब। गुलाब आप सबने देखा होगा कि ये डार्क पिंक कलर का होता है और बहुत अच्छा इसकी जो सुगंध होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हो गया गुलाब। इसके बाद हम लिखेंगे स स पे बड़े ओ की मात्रा, सु र ज सूरज, म म पे छोटे ओ की मात्रा, मो ख ख पे बड़ी की मात्रा, खी सूरज मुखी। ठीक है बेटा, सूरजमुखी की जानते हैं इसकी विशेषता क्या होती है? ये जो है बेटा, जिस तरफ से सूरज निकलता है, मीन्स जो सन होता है वो जिस तरफ से मीन्स पूरब तरफ से निकलता है ना, सूरज हमारा ईस्ट से निकलता है ना, तो उस तरफ से निकलता है, तो इस सूरजमुखी का जो फेस होता है वो हम सूरज की तरफ होता है। ठीक है, जैसे जैसे सूरज पीछे की तरफ आता है, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ता है, वैसे वैसे इसका ये जो फूल होता है सूरज को देखते देखते ही टेढ़ा होता है। ठीक है, तो इसका मुंह हमेशा सूरज की तरफ ही होता है, इसलिए इसको हम सूरजमुखी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे ग ग पे छोटे ओ की मात्रा, गु ड ह ल गुड़हल। ठीक है, गुड़हल देखें आप लोग, ये रेड कलर का होता है, मीन्स लाल रंग का होता है, और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज बेटा हमने हिंदी में क्या पढ़ा? फूलों के नाम पढ़े। एक बार चलिए फिर से पढ़ते हैं। कमल, गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी, गुड़हल, एक और लिखते हैं च म म पे ए की मात्रा, में ल ल पे बड़ी की मात्रा, ली चमेली। ठीक है बेटा, आज हमने हिंदी में इतने ढेर सारे फूलों के नाम पढ़े। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, इसके बाद घर पे इसका 2-3 बार रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हिंदी में इतना ही बेटा, इसके बाद मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।